So today we're going to talk about a very important question, a pattern of question rather, जो बहुत ही ज़्यादा exams में आते रहते हैं, वो usually JAM में या CSIR में या किसी भी जगह पे देखो, ये question, ये common concept है, तो हर जगह पे तेरी, और ये questions के ऊपर पता नहीं बच्चों ने मुझे इतनी बार बोला है कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा concept हमें बता दीजिए कि अगर potential given, तो how to draw the wave. तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम को कराने जा रहा हूँ. देखो इस प्रॉब्लम का पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, पोटेंशियल इज लाइक दिस. क्या है, व्हाट इज द, क्या, हाउ डज द वेव फंक्शन. यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल ड्रॉ किया है, वी हैव ड्रॉन द पोटेंशियल माई एक्सिस ऑफ एक्स. मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वी एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने को प्लॉट किया है. दिस आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर, इज़ इट? आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर कि यहाँ पे पोटेंशियल वी वन, यहाँ आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर कि ये है एक कांस्टेंट पोटेंशियल. यहाँ पे सेम कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल इज जीरो, दैट्स ऑल्सो यू कैन से. यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है या कॉन्स्टेंट है, और इस बीच पोटेंशियल एक लीनियर वेरिएशन. हाउ डज माई वेव फंक्शन, हाउ डज माई वेव फंक्शन वुड लुक लाइक, और पार्टिकल कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है, बोल दिया गया है द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड. पार्टिकल इज लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड. तो भाई मुझे एक बात बता, सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर दे कि अगर एक पार्टिकल एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना काम कर रहा है. कॉन्स्टेंट है पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो ऑफ डेल ऑफ वी रहेगा भाई, है कि नहीं. अगर v कांस्टेंट है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस इट्स अ फ्री पार्टिकल. अगर फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल के लिए तुम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखते हो, नेगेटिव ऑफ h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m टू d2 dx टू वन डायमेंशन में psi ऑफ x प्लस, यहां पे पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द पोटेंशियल, इनटू psi ऑफ x. हाउ, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, देयरफॉर psi ऑफ x, अगर हम लोग बता दिया गया है a into e to the power of i k x plus b into the power of minus i k fusion and energy e equal to h cut square k square divided by twice of m. अब भाई एक बात सोच के बता कि free particle के लिए wave function ऐसे होता है, this is a wave moving from minus x to plus x and this is a wave moving from plus x to minus x. तो ये wave towards the rightward direction move कर रहा है and ये जो wave towards the leftward direction move. मैं क्वेश्चन में जो दिया गया है वो तुझे बता रहा हूँ. क्वेश्चन में बोला गया है कि द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, तो ओनली द वेव इज मूविंग अलोंग द राइट वर्ड डायरेक्शन, कोई लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन का वेव नहीं है. तो इसलिए मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको हटा दूंगा. क्या करूंगा भाई, मैं इसको हटा दूंगा. हुआ, तो ये मेरा वेव फंक्शन है. अच्छा, ये जो वेव फंक्शन है ये एक प्लेन वेव का, ये एक प्लेन वेव है जो ऐसे 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 दिखता है ना भाई, ये एक प्लेन वेव है जो ऐसे 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 दिखता है. अब मुझे एक बात बताओ, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक प्लेन वेव होगा, यहाँ पे भी एक प्लेन वेव होगा, लेकिन यहाँ पे प्लेन वेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वैरी कर रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है. तो इन बिटवीन दिस रीजन, इन बिटवीन दिस टू दिस, बिटवीन दिस टू दिस मतलब यहां से यहां तक जाके, ये मान ले ये जो है ये x इक्वल्स टू a है, ये x इक्वल्स टू b है, तो x इक्वल्स टू a के बी, a से b के बीच में पार्टिकल इज नॉट अ फ्री पार्टिकल, बट यस in this region and in this region the particle is a free particle, so the wave function will be a free particle wave function, जो कि एक plane wave function होगा, ऐसा दिखेगा. अब हम लोग थोड़ा सा de Broglie wavelength के बारे में बात करेंगे. देख, de Broglie wavelength lambda is equals to h divided by momentum. हम लोग momentum को क्या लिख सकते हैं, h divided by root over of 2m into total energy minus the potential. okay भाई, अब देख यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, this is my thing. now you tell me one thing, that at this point potential is same, at this point and this point potential is same, energy of the particle, agar maan lo kuch bhi hai particle ki energy, maan le particle ki energy yahan pe hai, particle ki energy maan le yahan pe hai, maan le particle ki energy kahin pe yahan pe hai, so at this point ye hai tumhara v axis, v axis mein maan lo particle ki energy hai, aur energy is a constant thing, energy is a constant thing, free particle ki energy maan lo yahan pe hai,
ये है पार्टिकल की एनर्जी, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट थिंग, इट्स अ कांस्टेंट थिंग, ये तुम्हारा ई है, तुम्हारा पॉइंट ई, ये जो एनर्जी ई है दैट्स अ कांस्टेंट थिंग. यू कैन सी इस पॉइंट पे ई और वी के बीच में जो गैप है, यहां पे भी ई और वी के बीच में वही गैप है. तो फॉर दिस रीजियन एंड फॉर दिस रीजियन दिस ई माइनस वी इज सेम. अगर ई माइनस वी सेम होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा. कहां कहां पे सर, रीजन में और इस रीजन, बड़ी अच्छी बात है. तो इस दोनों रीजन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगा. तो मैं यहां पे वेव ड्रॉ कर देता हूं. सर देखो वेव होगा तुम्हारा ऐसा, वेव में ऐसे ड्रॉ, ये सिनेरियो है. सेम वेवलेंथ से देख, तो यहां से होना चाहिए. हालांकि ये पिक्चर एक क्वालिटेटिव पिक्चर है, क्वांटिटेटिव पिक्चर नहीं है, बट यू कैन एटलीस्ट टेक दैट इन दिस टू रीजियंस द वेवलेंथ इज सेम. इन दिस टू रीजियंस द वेवलेंथ इज सेम, यू कैन टेक इन दिस टू रीजियंस द वेवलेंथ इज सेम. नाउ और एक चीज मैं बता दूं कि इस जगह पे देखो, यहां पे इस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं, इस जगह पे ये जो डिफरेंस है बिटवीन ई एंड वी, दैट डिफरेंस इज इंक्रीजिंग. यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिफरेंस बिटवीन ई एंड वी इज इंक्रीजिंग. इन दिस रीजन ई एंड वी डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, ई एंड वी डिफरेंस इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब इस फॉर्मूला में जो ये ई माइनस वी है, वो जैसे जैसे तुम ए से बी की तरफ जा रहे हो वो बढ़ रहा है. अच्छा, अगर ई माइनस वी बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो होल थिंग घटेगा, होल थिंग घटेगा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ घटेगा. इस रीजन में जो भी तुम ड्रॉ करोगे, वेव हो या जो हो, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा. तो इसका इस रीजन में जो वेव होगा वो ऐसे 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 बहुत ही नजदीक नजदीक, ऐसे 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 नजदीक नजदीक. देख इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहां से शुरू होकर यहां तक इसका और इसका सेम है, लेकिन इस रीजन में डी ब्रॉगली वेवलेंथ थोड़ा घट जाएगा. ये थोड़े वेव्स पास 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 होंगे. अब और एक चीज देख यहां पे सोच, वो ये है कि जब हमको पता है अगर किसी एक पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा है तो उस पार्टिकल को लोकेट करने का प्रोबेबिलिटी कम है. तो इफ एट एनी रीजन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल गेटिंग एट दैट रीजन इज लेस. और अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट इज लार्ज. तो भाई यहां पे देख, इस रीजन में ई और वी, इस रीजन में ई और वी सेम है, ई माइनस वी सेम है, ई माइनस वी सेम है. तो इसका मतलब हमें पता है कि मोमेंटम जो है, हमें पता है मोमेंटम पी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2m into e माइनस वी, 2m into माइनस वी. अब जरा एक बात बता, अगर ई माइनस वी का गैप सेम है तो इसका मतलब मोमेंटम सेम है. तो इस रीजन में जो मोमेंटम है, इस रीजन में वही मोमेंटम है. मोमेंटम सेम है मतलब इस रीजन पे पार्टिकल को मिलने का प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए, इस रीजन में ही पार्टिकल को मिलने का प्रोबेबिलिटी वही होना चाहिए. That's why इस रीजन में जो साई स्टार साई होगा, इस रीजन में भी वही साई स्टार साई होगा. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या होता है रे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल्स टू साई स्टार ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स. अब भाई हमारा साई क्या है, हमारा साई है सर, हमारा साई है ए इंटू टू द पावर ऑफ आई के एक्स. तो साई स्टार होगा ए इंटू टू द पावर ऑफ माइनस आई के एक्स, साई होगा ए इंटू टू द पावर ऑफ आई के एक्स. तो कट के मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाए. अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर. अब भाई जरा सोच के मुझे बता, भाई जरा सोच के मुझे बता, तो इस जगह पे मॉड स्क्वायर जो रहेगा, इस जगह पे मॉड ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर वही रहेगा. मतलब यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड, यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा. बट भाई इस रीजन में क्या हो रहा है रे, सर इस रीजन में ई माइनस वी धीरे 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 बढ़ रहा है. इसका मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी घटेगा, और पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी घटेगा मतलब एम्पलीट्यूड घटेगा. वेरी गुड. सर इस रीजन में क्या हो रहा है, देखिए इस रीजन में ई माइनस वी बढ़ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, और सर वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल उस रीजन में मिलने का प्रोबेबिलिटी घटेगा, मतलब साई स्टार साई घटेगा. इसका मतलब मॉड स्क्वायर घटेगा, इसका मतलब एम्पलीट्यूड घटेगा. तो यहाँ पे जो सिनेरियो होगा, यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड तो पास 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 होंगे, और एक क्या होंगे एम्पलीट्यूड घटेंगे के बाद ये वेव ऐसा. तो दिस इज द वेव वेव दैट आई हैव ड्रॉन फ्रॉम द डेटा. तो दिस इज आई थिंक वेरी मच क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे एग्जाम ऐसे दे सकते हैं देखे बोला जा रहा है. एक कुछ चीज नहीं, एक तो तेरे को ध्यान रखना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, और दूसरा चीज तेरे को वो है कि
जो तेरा मैंने बताया कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी वहां पे कम होगा, मतलब साइज स्टार साइज कम होगा, साइज स्टार साइज कम होगा मतलब एम्पलीट्यूड जो है उस वेव का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जरा और एक चीज मैं बता दूं, और एक चीज भी ध्यान रखना कि वेव फंक्शन एट द बाउंड्री आर ऑलवेज कंटिन्यूअस और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन एट द बाउंड्री इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन द पोटेंशियल हैज अ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इफ द पोटेंशियल हैज एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट द बाउंड्री तो वेव फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस रहता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बाउंड्री पे कंटिन्यूअस कब रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन बाउंड्री पे कंटिन्यूअस होगा अगर हमारा जो पार्टिकल का पोटेंशियल है वो बाउंड्री पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है, और अगर पार्टिकल बाउंड्री पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल के लिए होता है। तो ये सब चीजें अगर ध्यान रखोगे तो आई थिंक इट्स वेरी इजी, इतना टफ नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच एक्सपेक्टेबल इन योर जैम एग्जामिनेशन और गेट और सीएसआर। थैंक यू वेरी मच।